राजनिवास रेप कांड मामले पर आरोपी बनाए गए दो रसूखदार नेताओं की जमानत याचिका हुई खारिज। फरार चल रहे दो अन्य आरोपी भी हुए गिरफ्तार। बता दें कि रीवा के राजनिवास भवन में हुई दुष्कर्म की घटना में दोषी बनाए गए दो नेता संजय त्रिपाठी और सह आरोपी अंशुल मिश्रा की जमानत याचिका को जिला न्यायालय ने नामंजूर कर दिया है, जिसके बाद आरोपी पक्ष के वकील ने हाई कोर्ट जाने की दलील दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी संजय त्रिपाठी पर पूर्व में कई मामले दर्ज हैं, जिसकी वजह से जिला न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। वहीं मामले पर घटना में शामिल फरार चल रहे दो अन्य आरोपी मोनू मिश्रा और पप्पू शुक्ला को भी आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा के राजनिवास भवन में हुई बहुचर्चित रेप कांड में आज नया मोड़ सामने आया, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने घटना में शामिल दो आरोपियों को ये कहकर उनकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया कि पूर्व में उनके ऊपर कई मामले थाने में दर्ज हैं, जिसके बाद आरोपी पक्ष के वकील ने हाई कोर्ट जाने की दलील दी है। बताया जा रहा है कि घटना में मुख्य आरोपी महंत सीताराम के मददगार के तौर पर गिरफ्तार हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी और सह आरोपी अंशुल मिश्रा के द्वारा न्यायालय में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनकी जमानत को नामंजूर करते हुए यह फैसला लिया है। प्रस्तुत है लोक अभियोजक रविंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। पॉक्सो न्यायालय में जो संत सीताराम का के संबंध में FIR सिविल लाइन थाने में रीवा में दर्ज हुई है, उसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि संजय त्रिपाठी और अंशुल मिश्रा भी उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अवेटमेंट में दोषी पाए गए थे, इसलिए उनको पकड़ करके पुलिस ने उनका जुडिशियल रिमांड लिया था, जिसके संबंध में संजय त्रिपाठी और अंशुल मिश्रा के संबंध में उनके एडवोकेट के द्वारा बेल एप्लीकेशन परसों मूव की गई थी, जिसकी सुनवाई होना आज थी। पुलिस के द्वारा जो केस डायरी पेश की गई और उनके द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया, उसमें ये बताया गया है कि संजय त्रिपाठी और अंशुल मिश्रा के द्वारा उक्त मामले में जो मेन एक्यूज्ड हैं संत सीताराम और विनोद पांडे, उनके साथ कंस्पायर्ड करके, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ और उनका इंटेंशनली उसमें सहयोग करते हुए मुख्य घटना को अंजाम दिया गया था, जो संत सीताराम के द्वारा 28/3/2022 को की गई थी। एक नाबालिग लड़की के साथ जो बलात्कार की घटना की गई थी, उसमें अभी पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार ये पाया गया है कि इनकी भी उतनी सहभागिता है, इसलिए माननीय न्यायालय ने आज संजय त्रिपाठी और अंशुल मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसमें एक चीज़ और पाया गया कि संजय त्रिपाठी के कुछ बहुत सारे पुराने आपराधिक मामले थे, और पुलिस के प्रतिवेदन में बताया गया कि एक मर्डर के मामले में उन संजय त्रिपाठी को कन्विक्ट किया गया था, जिसमें वो बेल आउट थे और बेल पे रहते हुए या उनके द्वारा ये उतना ही संगीन और गंभीर दोबारा अपराध किया गया। माननीय न्यायालय ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संजय त्रिपाठी और अंशुल मिश्रा की जमानत को खारिज किया।